वैसे कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, एक बड़ी बैठक इसको बोलेंगे 2024 के लिए। हम माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने माँ नर्मदा जी के पावन तट पर वीरांगना रानी दुर्गावती जी की कर्मस्थली को यानी जबलपुर को पहली कैबिनेट बैठक के लिए चुना और ये निर्णय किया कि पहली कैबिनेट जबलपुर में होगी। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये कैबिनेट फलदायी होगी और ये कैबिनेट केवल बैठक के लिए नहीं होगी बल्कि जबलपुर के साथ साथ संपूर्ण महाकौशल में एक सकारात्मक संदेश जाए, दूरगामी परिणाम इसके हों, इस दृष्टि से ये कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। वीरांगना रानी दुर्गावती जी के भी जन्म शताब्दी के 500 वर्ष आने वाला है, चल रहा है, और उस दृष्टि से हम ये मानते हैं कि ये बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लंबे समय से जबलपुर और महाकौशल के लोगों की जो सोच थी उसके अनुरूप 2024 में लोकसभा चुनाव है और कैबिनेट की बैठक और तमाम सौगातें हैं आदिवासी समुदाय से जुड़ी हुई, तो कहीं ना कहीं फोकस माने कि बीजेपी फोकस कर रही है। स्वाभाविक है, लोकसभा का चुनाव सामने है, एक राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के हित के निर्णय अगर करती है तो सरकार को करना भी यही चाहिए। और स्वाभाविक है, विधानसभा में ऐतिहासिक बहुमत जब हमें मिला है तो लोकसभा से मैं भी यही अपेक्षा है। पिछली बार सरकार कांग्रेस की थी लेकिन तब भी 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में, संगठन के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली। मध्य प्रदेश की जनता परेशान है पेट्रोल डीजल की लगातार स्ट्राइक को लेकर के, क्या कुछ स्टंट रहेगा गवर्नमेंट का? देशव्यापी हड़ताल है और जिस तरह से ये हड़ताल चल रही है तो सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी ये हड़ताल समाप्त हो और उस दिशा में ठोस और सार्थक प्रयास भी चल रहे हैं। उम्मीद है कि परिणाम निकलेगा। इधर भीड़ कैसे आएगी? एक्चुअली देखिए, स्वाभाविक है कि साधन तो लगते ही हैं, लोग अपने साधनों से आना चाहें तब भी उनको डीजल पेट्रोल की आवश्यकता होती है, तो स्वाभाविक है कि एक कठिनाई सामने है, लेकिन हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई हल उसका निकलेगा। बातचीत चल रही है आपकी, क्योंकि आपने भी निर्देशित किया था अधिकारियों को कि अधिकारीगण उस स्तर पर बातचीत कर रहे हैं, समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कोई ना कोई रास्ता निकले, ये प्रयास निरंतर चल रहा है। कल जो आप बैठक करवाने कैबिनेट के यहाँ जा रहे हैं, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है महाकौशल, क्या कुछ कैबिनेट से इस महाकौशल को प्रदेश को मिलने वाला है कल की बैठक? अब सारी बातें आज ही हो जाएंगी तो कैबिनेट की बैठक का मतलब क्या निकलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये कैबिनेट की बैठक होगी और अत्यंत सफल बैठक होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।